जुड़ी नई गाइडलाइंस लागू कराने की जिम्मेदारी थी, उसी ने इस्तीफा दे दिया। नए आईटी नियमों को लेकर ट्विटर और भारत सरकार के बीच विवाद चल रहा है। नए नियमों का पालन नहीं किए जाने को लेकर केंद्र सरकार सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को फटकार भी लगा चुकी है। इसके बाद ट्विटर ने नए आईटी नियमों के तहत ग्रीवांस अफसर के तौर पर धर्मेंद्र चतुर की नियुक्ति की थी। ग्रीवांस ऑफिसर का काम यूजर की शिकायतें सुनना है। धर्मेंद्र चतुर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया कंपनी की वेबसाइट पर अब उनका नाम नहीं दिख रहा है, जबकि भारत के नए आईटी नियम के मुताबिक ऐसा करना जरूरी है। धर्मेंद्र चतुर ने अपनी नियुक्ति के एक हफ्ते बाद ही पद से इस्तीफा दे दिया। 25 मई से लागू हुए आईटी नियमों के मुताबिक यूजर्स या पीड़ितों की शिकायतों का समाधान करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति करना जरूरी है। नए नियमों के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनियों को भारत में शिकायत निवारण अधिकारी, अनुपालन अधिकारी और नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा गया है। इनमें से ट्विटर ने सिर्फ शिकायत अधिकारी की ही नियुक्ति की थी, अब वो भी अपने पद पर नहीं है।